सिंह सोढ़ी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। तो सोढ़ी साहब, एक बार फिर से आपका स्वागत है। और जम्मू कश्मीर में जो एग्जिट पोल देखने को मिला था, क्या रुझान उसी तरफ जाते दिखाई दे रहे हैं? देखिए, आप और मैं लगातार इस बारे में चर्चा कर रहे हैं, लोगों को बता रहे हैं कि किस तरह से हरियाणा और जम्मू कश्मीर का जो रिजल्ट है आज वो सामने आ जाएगा। जम्मू कश्मीर की अगर बात करें तो 90 सीटें हैं जम्मू कश्मीर विधानसभा की, जिनमें तीन फेजेस में पोलिंग हुई थी। पहले 24 सीटों पे, दूसरे फेज में 26 सीटों में, और तीसरे फेज जो 1 अक्टूबर को था उसमें 40 सीटों पे मतदान हुआ था। आज जो रिजल्ट है पूरे 90 की 90 सीटों का कुछ ही घंटों में सामने आ जाएगा। लेकिन जिस तरह के अभी रुझान हम अपने दर्शकों को स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, कांग्रेस जो अभी ये रुझान है, क्योंकि अभी पोस्टल बैलेट खोले हैं कांग्रेस के साथ, ये हालांकि अभी थोड़ा मैं कहूंगा अपनी ग्राफिक टीम से कि नेशनल कॉन्फ्रेंस प्लस होना चाहिए, कांग्रेस प्लस नहीं, क्योंकि वहां पर जो बड़ी पार्टी है, जो गठबंधन, जो प्री पोल अलायंस है, उसमें बड़ी पार्टी नेशनल कॉन्फ्रेंस है और कांग्रेस जो है वो एक सहयोगी पार्टी है। तो नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस का जो इस वक्त तक लीड आया है वो 24 सीटों का है, बीजेपी 21 सीटों पे है, और बाकी जो अभी क्योंकि ये पोस्टल बैलेट है, ईवीएम की काउंटिंग अभी कुछ देर में शुरू होगी। जो एग्जैक्ट फिगर हैं, जैसे मुकेश जी हम बार बार यही कह रहे हैं, एग्जिट पोल और एग्जिट पोल में जो फर्क है वो आज सामने आ जाएगा। लेकिन कहीं ना कहीं मुकेश जी, थोड़ी सा आपका जो तजुर्बा है वो क्या कहता है, क्योंकि लगभग 2 दशकों से आप पत्रकारिता में हैं, इस बार काफी लंबे अंतराल के बाद वहाँ पे चुनाव संभव हो पाए हैं। पहले इस चीज़ को लेकर काफ़ी टिप्पणियाँ की जाती थी, धारा 370 वहाँ से हटाई गई, उसका फ़ायदा क्या भारतीय जनता पार्टी को मिलता हुआ दिखाई दे रहा है? देखिए मुकेश जी, ये ना एक बड़ा कंटीशियस सवाल आपने पूछा, एक बड़ा इम्पोर्टेंट सवाल है। देखिए, आप कहिए कि धारा 370 हटाने का बीजेपी को फ़ायदा देश में मिला, लेकिन क्या वो फायदा उनको जम्मू कश्मीर के वोटर्स देंगे, वो आज जो रिजल्ट है वो सामने आ जाएगा। कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए अब ये साग का इशू बना हुआ है उनके, क्योंकि अगर आप 2014 की इलेक्शन देखें, उसका रिजल्ट देखें, तो बीजेपी ने जम्मू संभाग में से 25 सीटें जीती थी। पिछले 10 सालों में बीजेपी ने एड़ी चोटी का जोर लगा लिया है कि वो कश्मीर घाटी में पहली बार अपना खाता खोल सकें और इस बात को क्लेम करें कि कश्मीर घाटी में भी लोगों ने जो 370 को हटाने का फैसला था उसे स्वीकार किया है। जो दूसरी पार्टीज हैं, जिस तरह नेशनल कॉन्फ्रेंस है या पीडीपी है, उनका बार बार ये कहना है कि कश्मीर में लोगों ने 370 हटाने के फैसले को रिजेक्ट किया है। और ये जो इलेक्शन है, देखिए नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीडीपी या बाकी जितनी भी कश्मीर बेस्ड छोटी पॉलिटिकल पार्टीज हैं, उनका ये कहना है कि एक मैंडेट होगा लोगों का कि क्या वो 370 हटाने से खुश हैं, क्या वो 370 हटाने के फेवर में हैं या उसके अगेंस्ट हैं। तो कहीं ना कहीं वो पार्टियां इस रिजल्ट को उस नजरिए से देखेंगे। बीजेपी के लिए जैसे मैंने पहले कहा कि साग का इशू बना हुआ है कि जम्मू में जो उनकी 25 सीटें 2014 में आई थी, कम से कम वो उसे रिटेन कर लें जी। लेकिन अगर हम भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी ने जो अपना फैलाव है वो महज जम्मू रीजन तक रखा है, कश्मीर में भारतीय जनता पार्टी नहीं गई। उन्होंने कहा कि जो कुछ इंडिपेंडेंट लोग हैं, उनकी विचारधारा से जिनकी विचारधारा मेल खाती है, उनको सपोर्ट करेंगे। इसके क्या मायने हैं कि जम्मू में तो भाजपा थोड़ी स्ट्रांग दिख रही है लेकिन कश्मीर में अभी पैट या आप कहें कि एंट्री नहीं कर पाई है? देखिए मुकेश जी, यही बात जो थी पार्लियामेंट इलेक्शन में देखने को सामने आई, क्योंकि तब भी बीजेपी ये क्लेम कर रही थी कि बीजेपी जो एक टाइम पे कश्मीर घाटी में लोग एक्सेप्ट नहीं करते थे, उन्होंने कम से कम वहाँ पर 5 लाख से ऊपर की मेंबरशिप जो है लोगों ने बीजेपी ज्वाइन कर ली है। लेकिन पार्लियामेंट इलेक्शन में बीजेपी अपना एक भी कैंडिडेट खड़ा नहीं कर पाई। जो डिलिमिटेशन के बाद नई सीट बनी थी रजौरी अनंतनाग वाली, बीजेपी के कुछ कैंडिडेट वहां पर होपफुल थे, लेकिन बीजेपी ने वहां पर भी अपना कैंडिडेट खड़ा नहीं किया और एक दूसरी पार्टी जो अपनी पार्टी है उसके कैंडिडेट को उन्होंने ओपनली सपोर्ट किया, लेकिन वो सीट जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस की झोली में गई। उसके बाद बीजेपी ने कश्मीर घाटी पे फोकस नहीं किया। इस हालांकि इस पार्लियामेंट जो अभी ये असेंबली के इलेक्शन हुई है उसमें प्रधानमंत्री ने भी कश्मीर में रैली की,
होम मिनिस्टर ने भी कश्मीर में रैली की, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी गुरेज में और कश्मीर के कुछ अलग अलग इलाकों में रैलीज की हैं। हालांकि कल जब हम बीजेपी के प्रधान जो रविंदर रैना है उनसे बात कर रहे थे, उन्होंने एक उम्मीद जताई है कि कहीं ना कहीं गुरेज में जहां पर राजनाथ सिंह ने एक पब्लिक रैली की थी वो सीट कहीं ना कहीं बीजेपी होपफुल है कि जीत जाएगी, लेकिन मुझे नहीं लगता क्योंकि वहां पर नेशनल कॉन्फ्रेंस की काफी वो स्ट्रांग होल्ड माना जाता है। नजीर गुरेजी वहां से कई बार मेंबर लेजिस्लेटिव असेंबली रह चुके हैं, डेप्यूटी स्पीकर रह चुके हैं, तो बीजेपी के लिए वो टेढ़ी खीर ही कश्मीर घाटी साबित होगी। बीजेपी ने इसीलिए लास्ट के कुछ दिनों में, मुकेश जी जैसे हम आप और मैं पहले भी बात कर रहे थे, बीजेपी ने जो लास्ट फेज था तीसरे फेज से कुछ दिन पहले लगभग 10-15 दिन जो अपनी ताकत थी वो जम्मू रीजन में झोंकी और उसका फायदा जो है बीजेपी को आज आता हुआ नजर आएगा। जी चलिए अभी क्योंकि मैं यही कहूंगा कि इस पर टिप्पणी करना भी मुश्किल है कि फायदा होगा नहीं होगा, लेकिन कोशिश जो थी और जहां पर भारतीय जनता पार्टी ने जोर लगाया, थोड़ी सा बता रहे हैं कि वो जम्मू रीजन था लेकिन कश्मीर में अभी थोड़ा सा भारतीय जनता पार्टी के लिए मुश्किल है। और जो एग्जिट पोल आया है उसमें नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस उसको बढ़त मिलती दिखाई दी और भारतीय जनता पार्टी जो है अगर एवरेज कहें तो हम 90 में से 25 के आसपास सिमटती दिखाई दे रही है जो एग्जिट पोल के मुताबिक। सुदेश बिल्कुल, और ये रुझान